अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवरिन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के रिलेटेड आप तक पहुंच सकें। और साथ साथ आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर करूँगा, एक कॉन्टेंट शेयर करूँगा ऑस्ट्रेलियन जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर उनकी लाइफ के बारे में शेयर करूँगा। सो चैनल पर नए तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सारी जो अपडेट्स हैं जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। सेवरिन, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी जिस तरीके से आप सबको पता है कि 2023 आने लगा है और मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियोस शेयर करूंगा ऑस्ट्रेलिया वीजा के हवाले से। सबसे पहले शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और उससे पहले जो आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना सबसे पहले क्योंकि बहुत ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ जिनके वीजास आ चुके हैं एंड ऑफ दिस मंथ और वो ऑस्ट्रेलिया भी आना चाहते हैं। उनके लिए एक ये वीडियो है क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो हमें सबसे पहले कौन कौन से काम करने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसी के मुतालिक शेयर करना चाहता हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना जो स्टूडेंट जिनका वीज़ा आ चुका है जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें जिस तरीके से आप लोग जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो सबसे पहले जो मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका होता है सिम। आप लोगों ने सबसे पहले अपने लिए एक सिम ले लेना है, अपना जो एक नंबर होता है मोबाइल नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हो गया सिम हो गया, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता है वो है आपका जो बैंक कार्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादातर बैंक्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादातर बैंक्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया में जितने बैंक्स हैं वो मतलब एक दूसरे से मतलब ऊपर नीचे, सारे बैंक अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर मुझे जो बैंक अच्छा लगा है वो है कॉमनवेल्थ बैंक। यहाँ पर आप लोग साइड पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इस तरीके से कार्ड होगा और ये कॉमनवेल्थ बैंक नाम है, बैंक का एक नाम है। तो आप लोग इस बैंक से अगर आप लोग अपना जो कार्ड वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा क्योंकि ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बैंक है। तो ये हो गया नंबर टू पर बैंक हो गया, बैंक कार्ड आप लोगों ने बनाने लाए। और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है आपका जो पीटी कार्ड है, जो आपका ट्रेन कार्ड होगा, आप लोग साइड पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इसका नाम है माइकी कार्ड, इसको बोलते हैं माइकी कार्ड होता है। और इस कार्ड को मतलब बनाया जाता है इसलिए ताकि आप लोग जब भी ट्रेन में सफ़र करेंगे, यहाँ पर आप लोग ज़्यादातर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो ज़्यादातर ट्रेन में सफ़र करते हैं। और उसके बाद आप लोग को ये कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ये कार्ड आपके पास होगा, इसमें आप लोगों ने बैलेंस डलवा लेना है, मतलब अगर आप लोग $10 $20 आप लोग डलवाते हैं तो इसमें ठीक है क्योंकि आपके ये चार्जेस लगेंगे। एक साइड पर अगर आप लोग जाते हैं एक साइड से $3 तक चार्जेस लग सकते हैं, ये भी आपको बता दूं कि बताने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए थर्ड नंबर पर हो गया आपका जो ट्रेन कार्ड होता है जिसको माइकी कार्ड भी बोलते हैं, वो थर्ड नंबर पर हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं जो है आपका वाइट कार्ड है। बहुत ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वाइट कार्ड की ज़रूरत मतलब नहीं होती, और देखें आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है लेकिन 50% उसकी ज़रूरत है उसको आप लोग ज़रूर बनाएं। देखिए वो आपके आगे फर्दर फ्यूचर में काम आपके आ सकते हैं, आप लोग साइड पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इसको वाइट कार्ड बोलते हैं। इस तरीके से मतलब इसकी शक्ल होती है, आप लोगों ने यहाँ पर इसकी एक दिन की अकेडमी होती है, 7 hours क्लास होती है इसकी, आप लोगों ने वो अटेंड कर लेनी है। उसके बाद क्लास में यही कुछ आपको बताया जाता है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के हवाले से बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप लोग कंस्ट्रक्शन कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो वेल्डिंग हो, कारपेंट्री हो, ब्रिकलिंग हो, या उसके मुतालिक कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन हो किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी, आप लोग उसमें आपके लिए बताया जाता है कि सेफ्टी से आप लोगों ने काम करना है। उसके बाद जब आप लोग क्लास लेते हैं, वन डे की क्लास जो होती है 7 hours की क्लास होती है, 9 to 3 o'clock तक या 4 o'clock तक होती है इस तरीके से। तो उसके बाद बाकी आपका 1 week के अंदर आपको ये कार्ड मिल जाता है। तो ये देखिए आपको मैंने बता दिया जो आपका फोर्थ नंबर पर हो गया वाइट कार्ड के बारे में, ये आप लोगों ने बुला लिया है। तो उसके बाद देखें जो आगे फर्दर हमारे पास ये आता है कि उसके बाद हमने फ़ोटो आईडी बनानी है, अपनी फ़ोटो आईडी ज़रूर बनाना है। यहाँ पर आप लोग साइड पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये फ़ोटो आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में। देखें आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके कभी भी काम आ सकती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो आईडी आप लोगों ने बना लेनी है, आप लोगों ने देख लिया हो कि साइड पर स्क्रीन पर कि फ़ोटो आईडी की शक्ल किस तरह होती है, इस तरीके से आप लोगों ने फ़ोटो आईडी भी अपनी जो है वो अपनी स्टार्ट में ही बना लेनी है। उसके बाद बाकी नेक्स्ट पर आ जाते हैं जो 6th नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आप लोगों को मैंने जिस तरीके से बताया पहले भी बताया था कि आप सबके पास जो ओवरसीज़ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप लोग ड्राइविंग टेस्ट देंगे, आपके पास जो ओवरसीज़ है जो लाइसेंस, उसके एक और बात बता दूं, वेरिफिकेशन साथ लेके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देखिए मैं अपना स्टार्ट में आपको बताता हूँ। मैंने देखे मैं साथ लेके आया था ओवरसीज डांसर्स, लेकिन मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने इधर एक किसी भी इंडिया का भी जनरल कॉन्सुलेट है, पाकिस्तान का भी है, जहाँ से आप लोग को वेरिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मैंने फिर वेरिफिकेशन लिया, फिर थोड़ा सा प्रोसेस हुआ इस तरीके से। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है, अपने साथ ही आप लोगों ने ले के आना है जो वेरिफिकेशन होगा ओवरसीज डांसर्स का, ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ और प्रैक्टिकल टेस्ट दे सके यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया डांसर्स के लिए। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, ये सारी आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने बनानी है। ये नहीं कहता कि आप लोग एक ही दिन में ये सारी चीज़ें बना लें। देखिए एक दिन में इम्पॉसिबल होता है, एक दिन में कुछ भी इस तरीके से नहीं होता। मैं आप लोग किस स्टेप बाई स्टेप आप लोग एक तरीका रखें, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से किस दिन क्या क्या बनाना है। और उसके बाद देखिए जब सेवन नंबर पर ये हो गया, ड्राइविंग लेंसेस हो गया, उसके बाद आपका होता है TFN ABN। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से आपको पता है कि हम सबको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टैक्स के लिए सबसे पहले एक आपका TFN नंबर बनता है, टैक्स फाइल नंबर जिसको कहते हैं। ये टैक्स फाइल नंबर बनता है, आप लोग गूगल से भी बना सकते हैं इसको, और किसी अगर यहाँ पर कोई अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं उनसे भी आप लोग बना सकते हैं। और एक ABN होता है जिसको बिजनेस नंबर बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप लोग मतलब सैलरी पे काम करेंगे या किसी उस पर काम करेंगे, जॉब किसी भी जॉब पर आप जाएंगे, तो आप लोगों से इन दोनों में से एक चीज़ ली जाएगी। तो ये दोनों आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद हम फर्दर आ जाते हैं, वो है आपका जो इंश्योरेंस कार्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जो अपना इंश्योरेंस कार्ड है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर बना लेना है। तो ये आपको मैंने कुछ चीज़ें बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने सबसे फर्स्ट डे पे क्या क्या जो चीज़ें पॉसिबल है वो बनानी है, इस तरीके से मैंने किया था। तो सबसे पहले जो आप लोग आते हैं, तो आप लोगों ने जो आपका सिम हो गया और उसके बाद जो बैंक कार्ड हो गया, ये आप लोग एक दिन में बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोग एक दिन में बनाना। अगर आप लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम है, मैं मतलब इजीली आराम से बना सकता हूं, तो भाई आप लोग तीन चीज़ें बना ले फिर। जो ट्रेन कार्ड है वो भी आप लोग को इजीली किसी भी मतलब आप लोग को यहाँ पर स्टेशन से, जिस तरह हम अपने कंट्री में बोलते हैं ना जो पेट्रोल पंप के स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर एक 7-Eleven नाम है स्टेशन का। तो यहाँ पर आप जब आप लोग आएंगे 7-Eleven लिखा होगा स्टेशन पर, आप लोग किससे पूछ भी सकते हैं। तो वहाँ पर स्टेशन में आपको बना बनाया मतलब कार्ड मिल जाता है ट्रेन का, उसमें आपको बस बैलेंस डलवाने की ज़रूरत है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने बना लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों ने TFN ABN बना लेना है, ये एक दिन इसके लिए रखें। फिर उसके बाद बाकी आप लोग जो वाइट कार्ड के बारे में आपको बताया, एक दिन आप लोग उसके लिए रजिस्टर करें, क्लास के लिए जाए एक दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी अपनी जो फोटो आईडी है वो आप लोग बनाएं। फिर उसके बाद बाकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होते हैं। आपको सबसे पहले लर्नर पास करना पड़ता है, फिर आप लोग को हैज़र्ड पास करना पड़ता है, ये ऑनलाइन टेस्ट है कुछ, तो आप लोग को ये चीज़ें पास करने के बाद फिर आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रोसेस है थोड़ा मतलब लेंथी प्रोसेस है, तो आप लोगों ने उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो स्टार्ट में आया था, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो आएँ यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब सर्वाइव करना पड़े थोड़ा आगे पीछे मतलब, तो इस वजह से आपको पहले ही बता दिए। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, तो इसको आप लोग अगर आप लोगों से कोई चीज़ भूल जाती है, आप लोग एक दफ़ा दोबारा अपनी इस वीडियो को देख लेना स्टार्ट से कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं आपको, ताकि आप लोग यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया आएँ तो सेफ्टी से आएँ यहाँ पर। तो उसके बाद आप लोग ये चीज़ें जो हैं ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बनाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो मैं आज की वीडियो यहाँ तक है मेरी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी मेरे आगे फर्दर आने वाली 2023 के हवाले से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव, और कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के हवाले से, ताकि उनको स्टेप बाय स्टेप पता लग सके उनका प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज फेस आती है, उसको हमने कैसे कवर करना है, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगा। सो आज की वीडियो आ सकती है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं या वीडियोज़ होती हैं आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।